मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशाओं में 80,000 स्मार्टफोन का वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण तारामंडल स्थित प्रेक्षागृह के सभागार में किया गया। वहीं जनपद गोरखपुर में सभी आशाओं को सदर सांसद रवि किशन सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश था कि आशाओं बहनों को आत्मनिर्भर बेटियों का सम्मान मिले। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए वह जनपदवासियों से सुरक्षित रहने तथा मास्क लगाने की अपील की। वहीं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि आशाओं बहनों का जो मानदेय पहले 750 रुपए था, उसको मुख्यमंत्री जी ने 1500 किया है। उन्होंने सभी आशाओं को शुभकामना दी और कहा कि इन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है वह काम कोई नहीं कर सकता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्मार्टफोन पाने वाली आशा बहन गुड़िया, प्रमिला सिंह, मीरा पांडे, अर्चना देवी तथा रीमा देवी और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा। बड़ा ही पावन सा ये समय नजर आ रहा है। संजू देवी कौन है? संजू देवी आपका आधार सभी सामान्य सदस्यों और पत्रकार कर्मियों का ढेर सारा स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सब ईश्वर वंदन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं कि हम धन संपदा छत्रपति विनाशाय दीपकाय नमोस्तु। जो रोगित रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीपक की रोशनी को हम नमन करते हैं। इस दीप प्रज्वलित को करते वक्त हम इस शपथ को भी लेते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे देश हित में करेंगे और नारियों का सम्मान भी करेंगे, जैसा कि हमारे माननीय हमारे मुख्य अतिथियों ने किया। कोरोना काल में जो काम किया है वही सम्मान पूज्य महाराज जी भी आशा बहनों के लिए सोचते हैं। तो आज उन आशा बहनों को और नारी सशक्तिकरण के सम्मान में राज्य सरकार यशस्वी हमारे पूज्य महाराज जी की ये सोच है कि जितनी आशा बहनें हैं वो स्मार्टफोन से भी जुड़ें, क्योंकि उनके बच्चे भी उसको ऑपरेट करते हैं, पढ़ते हैं। आज सबकी बेटियाँ अच्छे अच्छे स्कूल में जाती हैं। आशा बहनें भी आज जीवन काल में जुड़ी हैं, नए भारत के साथ, नए उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हैं। तो आज के दिन 80,000 हम लोग फोन वितरण कर रहे हैं और आशाओं का सम्मेलन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पूज्य महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कार्यक्रम हर जिले में हो रहे हैं और हर जगह हर जिले में आशा बहनों को आज सम्मान दिया जा रहा है। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ आशा बहनों के लिए कुछ अच्छा और भी कुछ संदेश भी आएगा, जैसे हमारे सीएमओ महोदय कह रहे थे, हमारे माननीय विधायक विपिन सिंह जी कह रहे थे, हमारे बरनवाल जी कह रहे थे। तो आज हमको लग रहा है कि आशा बहनों, आप लोगों ने पिछली बार में मुझसे मिल के कुछ बातें कही थी और आपकी बातों को मैंने पूज्य महाराज जी तक पहुँचाया था और वो बातों का आज रिजल्ट ये है कि आज आशा बहनों को समस्त उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन मिल रहा है। ये स्मार्टफोन आप लोगों को वो एक मैं कहूँगा एक सर्टिफिकेट मिल रहा है आप लोगों की ईमानदारी का, आप लोगों की मेहनत का, अपनी जान जोखिम में रख के आप लोग काम करती हैं। कोरोना काल में इस प्रदेश को आप लोगों ने बचाया, गोरखपुर को बचाया, ग्रामीण से लेकर हर जगह जहाँ कोई नहीं जा पा रहा था वहाँ आशा बहनें पहुँची, इसकी जानकारियाँ दी कि कोरोना काल कोविड कितना डेंजरस है, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। दोबारा इसका वेरिएंट आया है, थर्ड फेज वापस इसकी लहर आई हुई है और ये लहर अभी शुरुआत है, लेकिन इसमें से अगर हम लोग अभी से ध्यान देंगे और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो आशा बहने, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल आप लोगों को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों की शक्ति के लिए, आप लोगों की मेहनत के लिए, इस सरकार का साथ देने के लिए, हमारे डॉक्टर्स का साथ देने के लिए, जनता का साथ देने के लिए और कई कई लाख जान बचाए आप लोगों ने, वो वैक्सीनेशन से लेके हर चीज़ में आप लोग अग्रसर रहीं, आगे रहीं,
आप लोग बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं। एक छोटी सी भेंट है आज ये पूज्य महाराज जी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आशा बहनों को, नारियों को जो सम्मान मिल रहा है, आज ये पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि जो भी लोग हमारे साथ हैं, जो भी हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं इस सरकार के साथ, उनको हम लोग अपने शरीर का, अपनी पार्टी का हिस्सा समझते हैं। इस आप लोगों का बड़ा बड़ा आज के दिन बहुत शुभ दिन। ये 80,000 फोन आज आप लोगों को स्मार्टफोन यहाँ पर मिलेंगे और मैं इसी के वाणी के साथ जय श्री राम कहता हूँ। और उसके साथ एक बार चाहूँगा बहने, आप लोग सब कहें भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, धन्यवाद। एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे, आप सब के प्रतिनिधि इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कौन है बबीता बसंत को जुड़ गया हमारा थोड़े बोले भारत माता की, मोबाइल पर जाके बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। गुड़िया डांगी पर बोले जी हाँ, योगी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपना काम सही से करेंगे और जो भी हो रहेगा वो भी करेंगे, ठीक है। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, योगी के लिए, सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। परमिला सिंह डांगी पर मिला है, अच्छा लग रहा है, मोबाइल से ही होगा, मोबाइल से ही होगा। सरकार को आगे बढ़ाएंगे, योगी जी के लिए क्या कहेंगे, योगी जी के लिए, योगी जी के लिए आगे बढ़ाएंगे, योगी जी के। मेरा पांडे डागी पर कोनी, आपको मोबाइल मिला क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है मोबाइल पे पाकर। अब मोबाइल में हम सब लोग सब कुछ काम करेंगे, पहले हम लोग ऐसे काम करते थे छोटे मोबाइल से, अब हम लोग बड़े मोबाइल से काम करेंगे, टीकाकरण करवाएंगे तो उस पर बुद्धि पर करेंगे, हम लोग सर्वे करेंगे उस पर। योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे? योगी सरकार के लिए योगी जी क्या कहेंगे? योगी जो को हम धन्यवाद देंगे। अर्चना देवी डांगी पार, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। इससे पहले कैसे काम करते थे, अब किस तरह काम करेंगे? अब इससे अच्छा से बेहतर से काम करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे सब। इससे टीकाकरण होगा, सर्वे होगा और सारा जन्म मृत्यु है पंजीकरण कराएंगे, सब ऑनलाइन कराएंगे। इससे रीमा देवी कहाँ से आई? मोदीपुर से सर। फोन मिला कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर फोन अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। और सर ये उम्मीद भी अच्छी है कि सर इससे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं सर, वो इससे बहुत ही काम करते थे, अब मोबाइल मिल जाते कैसे काम सर? इससे बहुत आसानी से हम लोग काम करने में बहुत आसानी होगी सर, अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं। दौड़ भाग करना रहता है इसमें, बहुत सारी लिस्ट वगैरह बनाना रहता है सर, रजिस्टर कई रहता है। अब इससे मिलने से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग की कम हो गई है और सर इससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे सरकार के लिए? बहुत 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 धन्यवाद सरकार को, बहुत 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 धन्यवाद। जो स्मार्टफोन का वितरण किया गया था, क्या देखिए, हम सबसे पहले अपने प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है कि हमारे आशा बहनों को आज 80,000 लैपटॉप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बांटा गया है। इसमें हमारे सीएमओ साहब हैं, बहुत धार्मिक विचारधारा के हैं, आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई, इनको भी मैं बहुत बधाई दूंगा। हमारी बहनों के लिए पूज्य महाराज जी ने जो फिक्स मानदेय 750 रुपये था उसको 1500 किया है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सभी गोरखपुर के आशा बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में इन बहनों ने जो काम किया है शायद किसी में हिम्मत नहीं थी ऐसा काम करे, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हमारे जितने भी थे सब लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और समाज की सेवा की है। इसी नाते पिछले समय में हम लोग कोरोना पर विजय पाए थे और निश्चित है, ऐसा विश्वास है, जो भी आगे समस्या होगी
हमारी बहनें, हमारे स्वास्थ्यकर्मी उसका डट करके सामना करेंगे। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो इतना चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था चाहे पर्याप्त मात्रा में प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आप सभी आशा बहुओं को ढेर सारी नववर्ष की बधाई देंगे और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम यह पूज्य महाराज जी ने 80,000 टैबलेट यहाँ वितरण हुआ है, पूरे प्रदेश में आज हो रहा है। तो आज मैं CMO महोदय दुबे जी को और पूरे बनवाल जी और उनकी पूरी मेडिकल टीम, डॉक्टर्स को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आशा बहनें जो जान का जोखिम लेके मेहनत करें थी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही था कि बहनों को आत्मनिर्भर, बेटियों को सम्मान मिले। आज ये बहनों को सम्मान मिल रहा है, उनका मानदेय भी बढ़ रहा है। तो आज ये आशा बहनों के लिए आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली और बहुत शुभ रहा कि आज उनको स्मार्टफोन और उसके साथ कुछ महाराज जी अभी उनको खुद सुखद संदेशा भी देंगे। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आशा बहनें। अभी लहर वापस तीसरी भी आ रही है, तो मैं चाहूंगा आप लोग सचेत रहें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें। इस वक्त मैं माइक पर बोलते हुए मास्क निकाला हूं, लेकिन मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में ना जाएं। जय हो।